हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, यानी परीक्षण मापन एंड मूल्यांकन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों, मेजरमेंट से भी, टेस्ट एंड मेजरमेंट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग से, इन दोनों से मिला करके कम से कम 15-20 क्वेश्चन रहते हैं हर बार। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना दोनों चीज़ें। स्पोर्ट ट्रेनिंग चाहे उसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, कोई भी टॉपिक हो, मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी सेशन में। आप स्पोर्ट ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। एंड परीक्षा मापन मूल्यांकन से रिलेटेड सभी जितने भी, चाहे अफोर्ड टेस्ट हो, चाहे बास्केटबॉल टेस्ट हो, हॉकी टेस्ट हो, सभी को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एक स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज होते हैं। मैंने सभी थ्योरी सेशन को अच्छे से कवर किया है, और फिर उसी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी किया है, एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी किया गया है। तो आप चैनल पर जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, सभी टॉपिक वाइज ढूंढ करके पढ़िए। एंड यदि आप चाहे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी एलटी ग्रेड की, चाहे एमपी टेट की, चाहे किसी भी स्टेट की, तो दोस्तों मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप जुड़ने के बाद ही आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया गया है। एंड जो भी आप ऑथेंटिक बुक लिए हैं उससे भी आप रिविजन करते रहिए। और एमपी टेट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है नहीं, तो जितना हो सके आप रिविजन करिए और अपने टाइम को कीमत समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिकल फिटनेस को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि फिजिकल फिटनेस कहते किसे हैं। डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि डेली के जो वर्क है, यदि आप बिना थकान के किसी भी वातावरण में करने के सक्षम होते हैं, उसके बाद कोई आपात स्थिति में भी आपके पास ऊर्जा बरकरार रहे उससे निपटने के लिए, उसे कहते हैं फिजिकल फिटनेस। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है, जिसके बारे में मैंने फिजिकल स्पोर्ट ट्रेनिंग के टॉपिक में जो थ्योरी सेशन है उसमें डिटेल में बताया हुआ है। जो भी डाउट होगा वहाँ पर जाके आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान ने विकसित किया था। तो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स को फ्रेडरिक रांग रोगर्स ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऊंचाई या लंबाई दोनों को मापने का यंत्र है स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट है, शरीर के ज्वाइंट के पास दो हड्डियों के बीच के कोण को किस यंत्र से मापते हैं। तो गोनियोमीटर। ठीक है, ज्वाइंट्स के पास अक्सर लचीलापन को हम मापते हैं, तो लचीलापन बोलेगा तो भी गोनियोमीटर। ज्वाइंट्स के पास दो हड्डियों के बीच के कोण को मापने के यंत्र बताए बोलेगा तो भी गोनियोमीटर। नेक्स्ट है, पैरों और कमर की ताकत किस यंत्र से मापते हैं। ताकत यानी शक्ति मापने का यंत्र है डायनामोमीटर। नेक्स्ट है, हाथों की पकड़ मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो मैनियोमीटर। नेक्स्ट है, फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है। तो स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट है, रक्त दबाव किस यंत्र से मापी जाती है। तो ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की कार्य क्षमता किस यंत्र से मापी जाती है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है मांसपेशियों की कार्य क्षमता, उसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है। तो शरीर की लंबाई मापने का यंत्र स्टेडियोमीटर है, बट विभिन्न भागों की लंबाई मापने का यंत्र है एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, शरीर में वसा की माप मापने का यंत्र बताइए। ठीक है, जो वसा की मात्रा को कौन मापता है दोस्तों, वह है स्किन फोल्ड कैलिपर, यानी बॉडी कंपोजिशन को मापता है। नेक्स्ट, फ्लैट फुट मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फ्लैट फुट को मापते हैं पेडोमीटर से। फ्लैट फुट क्या है, स्कोलियोसिस क्या है, काइफोसिस क्या है, सभी चीजों को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, स्कोलियोसिस नामक विकृति स्तर के नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। स्कोलियोसिस जो हमारा रीढ़ की हड्डी एक तरफ और एक दूसरी तरफ, यानी यस या सी के आकार का मुड़ जाता है, उसको स्कोलियोसिस बोला जाता है, यानी कि पार्श्व विचलन यानी कि लेटरल डिविएशन होता है उसमें। तो इसको स्कोलियोसिस विकृति जो होता है रीढ़ की हड्डी में, उसको मापते हैं स्कोलियोमीटर या स्पाइनोग्राफ से। ठीक है, स्कोलियोमीटर एंड स्कोलियो स्पाइनोग्राफ से। नेक्स्ट है, आंखों की दूरदृष्टिता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है, तो स्टैनले चार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, हवा की दिशा नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो हवा की दिशा को मापने के यंत्र को विंड वांड गेज कहते हैं। नेक्स्ट है, थ्रोइंग इवेंट के भाले की दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन है दोस्तों, तो मैजिक आई। नेक्स्ट है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर्टिकल जंप, जिसे सार्जेंट जंप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एजिलिटी किससे मापी जाती है, तो शटल रन जो होता है उससे एजिलिटी मापी जाती है, यानी चपलता। नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी किस परीक्षण से मापी जाती है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होता है वह सीट एंड रीच टेस्ट से मापा जाता है। नेक्स्ट है, बाइसिकल इर्गोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, टीजी मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन मापा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है, तो एलगन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, रोगर के फिजिकल फिटनेस इंडेक्स के लिए आर्म स्ट्रेंथ के लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाएगा, तो यही सूत्र आपका अपनाया जाएगा जो दिया गया है, पुलअप्स प्लस पुशअप्स दया W अपॉन 10 प्लस H माइनस 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है तथा किसने बनाया, तो दोस्तों क्रास बेबर ने मस्कुलर फिटनेस टेस्ट को बनाया, मिनिमम मस्कुलर फिटनेस को मापने के लिए 1954 में इन्होंने बनाया, क्रास बेबर टेस्ट के नाम से इनका टेस्ट जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टटल पल्स रेटियो टेस्ट के से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों टटल पल्स रेटियो टेस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापा जाता है। जैसा कि दोस्तों टटल पल्स रेटियो टेस्ट को WW टटल ने 1930 में बनाया, ठीक है, 1930 में WW टटल एंड RC विल्किंस ने बनाया कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए। इसमें एक बेंच इस्तेमाल किया जाता है जिसका ऊंचाई होता है 13 इंच, आपको ध्यान में रखना है। इसमें किया क्या जाता है कि आराम की स्थिति में 1 मिनट की हृदय गति को माप लिया जाता है, फिर वह 1 मिनट तक सीट अप सिट डाउन करेगा, उसके बाद 1 मिनट के अभ्यास के तुरंत बाद जो क्षतिपूर्ति रिकवरी का समय होता है उसमें का उस समय 2 मिनट की हृदय गति मापी जाती है। तो इस प्रकार कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मापने का सूत्र हो गया, 2 मिनट पल्स एट रिकवरी अपॉन 1 मिनट पल्स एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया, तो दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाया है ल्यूसीन ब्रोहा ने 1943 में कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस मेजर करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पर यह बनाया गया। और इसमें जो बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर, अब महिला के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर। और पल्स रेट यानी हार्ट रेट को मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप से। और इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले वार्म अप कराएंगे, उसके बाद 5 मिनट तक बिना रुके आपका सिटअप सिट डाउन किया जाएगा बेंच पे। उसके बाद एक्सरसाइज 5 मिनट के अभ्यास के बाद तुरंत 1 मिनट रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद 1 मिनट रेस्ट के बाद एक 30 तक यानी 30 सेकेंड पल्स काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकेंड रेस्ट दिया जाता है, फिर 30 सेकेंड पल्स काउंट, इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में PEI फिजिकल PEI यानी फिजिकल फिटनेस इंडेक्स जो होता है, उसके सूत्र होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कि ड्यूरेशन एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 अपॉन 2 गुणे सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट रन वॉक किसने बनाया दोस्तों। 12 मिनट रन वॉक को बनाया केनेथ एच कूपर ने 1970 में, और इसको कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस मापने के लिए ही बनाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है, वही क्वेश्चन आ गया। तो कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस मापा जाता है, जैसे कि मैंने कल ही स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले पार्ट 2 के ऑनलाइन क्वेश्चन में बताया है डिटेल में कि जो भी क्रियाएं सेकेंड में आएंगी या 2 मिनट तक की जितनी क्रियाएं होंगी वो अनएरोबिक होंगी, यानी उसमें स्ट्रेंथ या आपका अनएरोबिक क्रियाएं होंगी। 2 मिनट से ज़्यादा की क्रियाएं जो होंगी वो इंडोरेंस डेवलप करता है, इंडोरेंस के लिए कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस डेवलप करता है। 2 मिनट से कम की क्रियाओं में स्पीड ज्यादा होता है, जैसे 100 200 400 मीटर दौड़। नेक्स्ट है ऑफवर्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो ऑफवर्ड का फुल फॉर्म है अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। जैसा कि दोस्तों इसके बारे में मैंने बताया है आपको डिटेल में, यह 1958 में बनाया गया। कब बनाया गया ऑफवर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट को, कब बनाया गया 1958 में पॉल हंसेकर के द्वारा। मोटर फिटनेस टेस्ट मापने के लिए क्या मापता है, मोटर फिटनेस टेस्ट, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, बट 5 सितंबर 2013 को इसका नाम बदल करके सेफ अमेरिका कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सेफ अमेरिका, SHAPE सेफ अमेरिका कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, 5 सितंबर 2013 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफवर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट को किसने बनाया, तो इसको बनाया है प्यूल हंसेकर एंड गाइजी रिफ ने 1958 में बनाया। और दोस्तों इसके अंतर्गत 6 टेस्ट आइटम इस समय आते हैं, 58 में जब बनाया था तो 7 टेस्ट आइटम आया था, लेकिन बट पुनः इसको 1976 में चेंज करके उसमें से सॉफ्ट बॉल थ्रो को हटा करके 600 गज रन वॉक रख दिया गया। तो इसके बारे में मैंने ऑफवर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे उतना डिटेल में बता नहीं सकती। नेक्स्ट है ऑफवर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट
कि 600 यार्ड रन वॉक से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो मैंने बताया है कि 2 मिनट से ज्यादा की जो क्रियाएं होंगी वो एंड्योरेंस डेवलप करेंगी, एंड्योरेंस यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ठीक है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस 600 यार्ड रन वॉक से मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रेट नी सिटअप्स से क्या मापा जाता है? तो सिटअप्स जब करेंगे तो डायरेक्ट आपका फोर्स पड़ता है आपके एब्डोमिनल यानी कि पेट पे, तो यहाँ पे आपके एब्डोमिनम यानी हीप या हीप मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापा जाता है। सिटअप्स आपका आता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, जिसमें फोर्स जो है वो बीच में रहता है रेसिस्टेंस एंड एक्सिस के। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग एक्सटेंशन मसल्स मापा जाता है, तो यह स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग यानी कि पैरों के विस्फोटक शक्ति को मापा जाता है। जितने भी जंपे आएंगी सब में विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव पावर ही मेजर किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जे से वर्टिकल जंप, चीन अप एंड 100 यार्ड शटल रन, इन सभी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है जेसीआर टेस्ट में, जेसीआर टेस्ट से, जेसीआर में से, ठीक है। इसको 1947 में बनाया गया जेसीआर टेस्ट को दोस्तों, जैसा कि जेसीआर से जे से जंप, सी से चीन अप, आर से रन यानी कि वर्टिकल जंप, चीन अप और 100 यार्ड शटल रन इसमें आता है। नेक्स्ट है मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट के नाम बताइए, तो वो है लोवा ब्रेस टेस्ट एंड मैथनी जोहानसन टेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट, लोकॉट एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट एंड मिलर वाल वाली टेस्ट, ये सभी किसके टेस्ट हैं? तो ये सभी टेस्ट हैं बैडमिंटन के स्किल टेस्ट। तो ध्यान में रखिएगा, नाम सीधा सीधा पूछ देता है कि ये टेस्ट किस खेल से संबंधित है, तो फिल्म 49-49-51 इसका ट्रिक है बैडमिंटन की स्किल का, फिल्म 49-49-51। एफ से आपका हो गया फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट 1949 में बनाया गया, लुकआउट एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट सीएल से जो 1949 में बनाया गया, एंड मिलर वाल वाली टेस्ट 1951 बनाया गया। नेक्स्ट है बैडमिंटन के मिलर बैडमिंटन के वाली टेस्ट का क्या नाम है? तो इसका है मिलर वाल वाली टेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट के 2 टेस्ट बैटरीज के नाम बताइए, ये आपका है बैडमिंटन से, इसमें 2 टेस्ट है द सर्व टेस्ट एंड क्लियर टेस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया? तो इसको बनाया इस्थर फ्रेंच एंड एवलियन स्टेल्टर 1949 में बनाया। नेक्स्ट है लुकआउट एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट को किसने और कब बनाया? तो इसको बनाया एलिन लुकआउट एंड फ्रेंसिस ए एमसी फेरसन 1949 को बनाया गया। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में थ्योरी सेशन में बताया है। नेक्स्ट है मिलर वाल वाली टेस्ट किसने और कब बनाया? तो इसको फ्रेंसिस ए मिलर ने 1951 में बनाया। नेक्स्ट है लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम बताइए, तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट। तो बास्केटबॉल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं इसका मैंने ट्रिक बनाया था JKSH 34-47-55-69, जे से जोहानसन बास्केटबॉल से टेस्ट 1934 में बनाया गया, के से नॉक बास्केटबॉल टेस्ट 1947 में बनाया गया जिसमें, और यस से स्ट्रॉप बास्केटबॉल टेस्ट 1955 में बनाया गया, एच से हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट 1969 में बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो इसको बनाया एल विलियम जोहानसन ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ब्रिडल टेस्ट, वॉल बाउंस टेस्ट एंड पेनी कप टेस्ट और ड्रिबल शूट टेस्ट,
ये किसके टेस्ट बैटरीज हैं दोस्तों, तो ये सभी के सभी आप हैं नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में। जैसे कि दोस्तों नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल शूट एंड पेनी कप टेस्ट ये आते हैं। और कई बार पूछा भी गया है कि पेनी कप टेस्ट किस से रिलेटेड है, तो नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट से। ठीक है, इसको बनाया गया 1947 में। तो चार टेस्ट आइटम, इतना ये भी पूछ सकता है कि नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम आते हैं, तो चार, स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल शूट, पेनी कप टेस्ट। नेक्स्ट है नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया, तो नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट को रॉबर्ट डी नॉक्ड ने 1947 में बनाया। नेक्स्ट है पेनी कप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया जाता है, तो अभी तुरंत आपने जाना नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में प्रयोग किया जाता है पेनी कप टेस्ट। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए कौन से तीन बास्केटबॉल टेस्ट बनाए गए, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, कौन से तीन नहीं, एक याद कर लीजिए, ल्यूसीन बास्केटबॉल टेस्ट, लुलीच है। ठीक है, नेक्स्ट है ली लीच बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया, तो इसको बनाया एविस ली लीच ने 1952 में। नेक्स्ट है भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया, तो वो थे हरबंस सिंह, इन्होंने हरबंस हॉकी टेस्ट बनाया। ठीक है, हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट बनाया। नेक्स्ट हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट में कौन से टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपका प्रयोग किया गया है दो टेस्ट आइटम, जिसमें से ड्रिबलिंग एंड शूटिंग एक हो गया एंड फील्ड गोल एंड स्पीड टेस्ट। नो, यहाँ पे गलती है, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट वो आपका बास्केटबॉल में आ जाएगा। इसमें दो टेस्ट आइटम है, ड्रिबल एंड शूट और दूसरा ड्रिबल एंड हिटिंग। ठीक है, यहाँ पे फील्ड गोल स्पीड टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन को किसने बनाया, तो मार्गरेट स्टीमिथेल्स एंड एस्थर फ्रेंच ने बनाया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कभी स्टीमिथेल नया देकर के सीधे बोलता है कि फ्रेंच टेस्ट किसने बनाया, तो बनाया गया हॉकी के लिए। नेक्स्ट है एमसी डोलॉन बॉलिंग सॉकर टेस्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट एंड क्रेव सॉकर टेस्ट, ये किसके हैं दोस्तों, तो ये सभी के सभी सॉकर टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। सॉकर फुटबॉल को बोला जाता है, सॉकर टेस्ट के का याद रखने का ट्रिक है MDSC 5163-68 एमसी डोनाल्ड सॉकर टेस्ट 1951 में बनाया गया, जैसे जोहानसन सॉकर टेस्ट 1963 में बनाया गया और सी से क्रेव सॉकर टेस्ट 1968 में बनाया गया। तो तीन आप टेस्ट याद रखिएगा, एमसी डोनाल्ड सॉकर टेस्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट, क्रेव सॉकर टेस्ट, किसके अंतर्गत, सॉकर टेस्ट के अंतर्गत, यानी कि फुटबॉल टेस्ट के अंतर्गत आता है। इन सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप टेस्ट एंड मेजरमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है एमसी डोनाल्ड बॉलिंग सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया, तो इसको बनाया 1951 में लियोड जी एमसी डोनाल्ड ने। नेक्स्ट है जोहानसन सॉकर टेस्ट को किसने अब कब बनाया, तो इसको बनाया जोसेफ आर जोहानसन ने 1963 में। नेक्स्ट है क्रेव सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया, तो वर्नान यन क्रेव ने इसको बनाया, क्रेव सॉकर टेस्ट को 1968 में, जिसमें दो टेस्ट बॉल कंट्रोल और बॉल ड्रिबलिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस का डायर टेनिस बैक बोर्ड टेस्ट किसने और कब बनाया, तो दोस्तों टेनिस का डायर टेनिस टेस्ट बार बार पूछा जाता है, तो डायर टेनिस नहीं लिखता है वहां पे, नहीं तो आप पहचान ही जाएंगे, वहां पे लिखता है डायर टेस्ट या डायर बैक बोर्ड टेस्ट,
किसने बनाया या किस खेल से रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड है। तो डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट को बनाया जोना टी डायर ने 1935 में। दोस्तों टेनिस टेस्ट के लिए आपका ट्रिक है DBH 3550-6679। इसके बारे में आप जानेंगे थ्योरी सेशन में डिटेल में। तो आपका जो टेनिस टेस्ट होता है इसके अंतर्गत DBHA 3550-6679 यानी कि डी से डायर टेनिस टेस्ट, बी से ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट, एच से हिविट्स टेनिस टेस्ट, ए से एवरी रिचर्डसन टेनिस टेस्ट, ये चार टेस्ट आते हैं। तो जिसमें से डायर टेनिस टेस्ट बार बार पूछा जाता है, ब्रोअर मिलर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट किसने और कब बनाया। तो दोस्तों इसको मैरिन ब्रोअर एंड डोना मी मिलर ने 1950 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के रसल लैंज वॉलीबॉल टेस्ट को किसने बनाया और कब बनाया। तो इसको बनाया नाओमी रसल एंड एलिजाबेथ लंज ने 1940 में। दोस्तों वॉलीबॉल टेस्ट के अंतर्गत उसका ट्रिक है RB 40-45 महिला पुरुष। इसका मतलब है आर से रसल लंज वॉलीबॉल टेस्ट को 1940 में बनाया गया महिलाओं के लिए, एंड बी से ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट 1945 में बनाया गया पुरुषों के लिए। यही दो टेस्ट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया। तो जॉर्ज एफ ब्रेडी ने 1945 में पुरुषों के लिए बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों किसी परीक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत किसी परीक्षण के लिए सोपान होते हैं, यहाँ पे वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता दिया है। अब कौन कौन से होते हैं जैसे कि मैंने बताया है आपको, किस इसके अंतर्गत रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है या किसका अर्थ होता है। तो यह होता है वैलिडिटी यानी कि वैधता। वैधता का मतलब होता है जो परीक्षण जिस लिए बनाया गया है वह उसी चीज को मेजर करे, उसी चीज को मापे, तब माना जाता है कि हाँ वो वैध है। इसके लिए किया क्या जाता है कि जो पहले से वो उसका परीक्षण के लिए बनाया गया है उसको मेजर किया जाता है, और जो नया बनाया गया है उसको, जब दोनों में सिमिलरिटी होती है सेम तो माना जाता है कि हाँ उसी चीज को माप रहा है, ये वैध है या वैलिड है, वैलिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का अर्थ है यानी रिलायबिलिटी का अर्थ है विषय का क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से दो या दो से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो उस परीक्षण को कहते हैं विश्वसनीय परीक्षण यानी रिलायबल है। नेक्स्ट दोस्तों 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है। तो वह एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को मेजर करने के लिए किया जाता है। 2 मिनट से ज़्यादा जितने क्रियाएं आएंगे सहनशीलता के अंतर्गत आएंगी। तो दोस्तों परीक्षण मापक मूल्यांकन से टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी टेस्ट मेजरमेंट से ही क्वेश्चन आएगा एक पार्ट, और ये पार्ट नंबर 1 है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना तैयारी करते रहिए और मन से तैयारी कीजिए। दोस्तों बार बार दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और देखिए कि हाँ क्वेश्चन कैसा बन सकता है और आपको कितना याद हुआ। प्रैक्टिस लगाइए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।